नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि गंजापन, जी हाँ दोस्तों, गंजेपन का शिकार जो भी हो जाता है उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ। तो ये प्रोग्राम खास उन्हीं लोगों के लिए है जो गंजे हो रहे हैं या जिनके बाल लगातार झड़ रहे हैं, तो वो किस तरह से, बहुत सारे उपाय बताऊँगा दोस्तों, घरेलू उपाय बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसमें आप कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो से लाभ पहुंचा सकते हैं। बाल झड़ना, जी हाँ दोस्तों, बाल जब झड़ने लगता है तो उसके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं और बहुत परेशान हैं, तो ये प्रोग्राम खास उन्हीं लोग के लिए है। पानी, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको बाल झड़ना क्यों चालू हो जाता है। खास तौर से जो है मर्द लोग होते हैं, उन लोगों के बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं। उसका कारण होता है हार्मोन्स में असंतुलन, तनाव, खान पान, खराब खान पान, समय पर ना सोना, ये सब जो है उसके कारण है और बहुत सारे कारण होते हैं जिससे वो झड़ने लग जाते हैं बाल। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप जो है बच सकते हैं और अपने बालों को वापस ला सकते हैं। पानी, गंजे सिर पर बाल उगाना, पानी की सही मात्रा में पोषण तत्व तो पैदा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालों को दोबारा उगाने के लिए शरीर में कैरोटीन की उत्पत्ति काफी आवश्यक होती है, तो खूब पानी पिए। प्रोटीन, अगर आप अपने खान पान में प्रोटीन की कमी है तो बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए अपने शरीर में जो है प्रोटीन जो है ज्यादा मात्रा में ले, जिससे आपके बाल उगना चालू हो जाएंगे। मिनोक्सीडिल, अगर आपके शरीर में कोई बाल के रहित भाग है तो आपको मिनोक्सिड नामक एक जानी मानी औषधि प्रयोग में लानी चाहिए। आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। गंजे शरीर में बाल उगाने के तरीके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से, अगर आप जो, मैं इसकी स्पेलिंग पढ़ देता हूँ दोस्तों। जो तेल मिलने जो मिलेगा आपको जो मेडिकल स्टोर में, MINOXIDIL, मेनेक्सीडिल इस दवाई का नाम है, ये मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा तो आप इसे लगा सकते हैं। गंजे सिर पर बाल उगाने के उपाय जो है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब मैं आपको घरेलू उपाय बताऊंगा जिससे आप जो बहुत जल्दी आपके बाल जो है बड़े होने लगेंगे और झड़े हुए बाल वापस आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने सिर को अरंडी के तेल, जी हाँ दोस्तों, अरंडी का तेल आपके पास होगा, अरंडी का तेल ले आइए। इसके अलावा जैतून का तेल ले आइए, देखिए जैतून का तेल है मेरे पास, तो जैतून का तेल ले आइए। और जैतून के तेल, अरंडी का तेल और नारियल के तेल में जो है पटसन के बीज का तेल मिल जाएगा, और बादाम का तेल, इनके इस सब का मिश्रण करना है आपको। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अरंडी, जैतून, नारियल, बादाम, पटसन, ये सब का तेल चाहिए और शुद्ध तेल होना चाहिए। इनको मिला लें और इसे मसाज करें, इससे और फिर मसाज करने के बाद जो है 20 मिनट के बाद जो है शैम्पू से बाल को धो लें। अंडे के मांस को शैम्पू से धो लेने के बाद दानेदार चीनी को ब्राउन शुगर और जैतून के तेल में मिलाकर स्क्रब बना लें। तो जो जैतून का तेल होता है उसमें जो आपको दानेदार शक्कर मिलानी है, शक्कर आपके घर में होती है, जैतून का तेल आप ले लें और जो है उसको उसमें मिलाकर स्क्रब बना लें और इसे सिर में घिसें। 2 से 3 मिनट तक आपको सर में लगाना है और फिर धो दें, इससे आपको जो है फायदा होगा। काली मिर्च और जैतून के तेल के मिश्रण बनाएं और इसे भी सिर में लगाएं। इसे धोने से पहले 5 मिनट तक रहने दें। अच्छी क्वालिटी के शैम्पू का इस्तेमाल करें। शैम्पू को बाल में लगाने के लिए हथेली का प्रयोग करें जिससे सिर की मालिश अच्छी से हो सके। बाल धोने के बाद एक तौलिए से बाल पोंछ लें। बाल को गीले रहने की स्थिति पे उन पर नारियल का तेल आप लगा सकते हैं।
इससे बाल जो है नरम रहेंगे। अगर बाल रूखे हो तो किसी अन्य कंघी की सहायता से बाल को बनाएं। जो लोग गंजेपन की समस्या से ग्रस्त हैं वे विटामिन और आयरन की सप्लीमेंट्री ले सकते हैं। बाल उगाने का तरीका, सिर में रक्त संचार बढ़ाने के लिए रोजाना 5 मिनट तक सिर की मालिश करें, सिरासन करें। जय दोस्तों, सिरासन बहुत बढ़िया होता है, जिससे आपके जो आंखों की रोशनी के साथ साथ आपके सर के बाल वापस आने लग जाएंगे। बालों को लंबा करने और स्वस्थ रखने के लिए अच्छी जैनिक जैविक जीवन शैली अपनाएं। फल और सब्जी युक्त तो भोजन करें, 8 से 10 गिलास पानी पिएं। अब चूर्ण कैसे बनाएं वो मैं आपको बता देता हूँ। मूली, त्रिफला और काली तिल का तेल नए बाल को उगाने के लिए बहुत फायदेमंद है, तो इन सब का तेल बनाइए और सर पे जो है इससे मालिश कीजिए। सम मात्रा में आपको बनाना है तेल। देखिए 15 दिन के अंदर ही आपके बाल वापस आने लग जाएंगे, तो इन तीनों को मिलाइए सम मात्रा में और मालिश कीजिए। और फिर देखिए, आप मालिश करने के बाद जो है आप जानते हैं फिर कितने जल्दी राहत मिलती है। आप देखिएगा करके फिर मुझे बताइएगा। अगला उपाय, ऑलिव ऑयल से मालिश करें आप। बाल उगाने के लिए जो है जैतून का तेल बहुत लाभकारी होता है। गंजापन दूर करने में जो है जैतून का तेल जो है आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो इसको जो है सबसे पहले जो है आपको करना क्या है, जो जैतून का तेल है उसे गर्म करें। इसमें 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच दालचीनी मिलाएं। 2 चम्मच शहद मिलाएं और 1 चम्मच दालचीनी मिलाएं। दालचीनी का पाउडर ले आएं और फिर बालों और सिर में लगाएं। इसे 20 मिनट तक छोड़ दें लगाकर, फिर धो लें, किसी शैम्पू से धो लें। हफ्ता में ये प्रक्रिया दोहराएं, आपको जल्द ही बाल बढ़ते हुए दिखाई देंगे, गंजेपन से आपको राहत मिलेगी। आप जीरा और जीरा जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो जीरा होता है, जीरा और जैतून के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको मालिश करनी है तो उसके लिए चाहिए 1 चम्मच जो है तेल और जीरा, पीसा हुआ जीरा मिला के उसे अपने सर पर मालिश, तो जो है इसे मालिश करना है आपको। बारीक पीस लें जीरे को और जो है इस तेल में मिला लें। उसके बाद जो सर पर मालिश करें, इससे राहत मिलेगी। हीना यानी कि मेहंदी, 250 ग्राम सरसों के तेल में इस तेल को उबालें और कुछ देर बाद इसमें हीना के पत्ते मिला दें। तेल को ठंडा होने दें और इसके बाद इसे छान लें। नरम मुलायम बालों के लिए तेल से मालिश करें। तो दोस्तों, जो मेहंदी का पत्ता होता है वो ला लें और मेहंदी के पत्ते को 250 ग्राम सरसों के तेल में जला दें और उसको छान लें और उसके बाद उस तेल से मालिश करें। और सबसे बढ़िया और मेरा आजमाया हुआ खास ये है प्याज। इससे आप अपने बाल में निश्चित रूप से जो है जो बाल झड़ गए हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इसका जूस निकालें और जूस से सर के बालों की मालिश करें। मालिश करके 5 मिनट छोड़ दें, फिर उसके बाद आप जो है नहा लें। इससे आप देखिए 15 दिन के अंदर आपको फर्क मिलेगा। दोस्तों, अच्छे किस्म के शैम्पू का इस्तेमाल करें तो बहुत फायदा होगा। ये बहुत फायदेमंद है, प्याज बहुत ही फायदेमंद। दोस्तों, नारियल का दूध और तेल किसी गंजे व्यक्ति के सिर पर दोबारा बाल लाने का सबसे अच्छा तथा प्राकृतिक तरीका। उसके सिर पर रोजाना नारियल के तेल से मालिश करें। 10 मिलीलीटर आंवले के तेल में 20 मिलीलीटर नारियल के तेल और 1 से 2 चम्मच नींबू के रस का मिश्रण बनाएं तथा इसे अपने सिर पर लगाएं। इसके बाद इसे कुछ समय के लिए छोड़ दें, 20 मिनट बाद धो लें। इससे आपके सिर की अच्छी मरम्मत हो जाएगी और सिर में मौजूद गंजेपन के लिए जिम्मेदार डैंड्रफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं खत्म। शहद बहुत लाभकारी है दोस्तों। शहद बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है। 2 चम्मच शहद लें और 1 चम्मच पीसी हुई दालचीनी, 2 चम्मच शहद 1 चम्मच पीसी हुई दालचीनी लें। अब इस मिश्रण को 2 चम्मच जैतून का तेल,
मिलाए और इन सबको मिश्रण को तैयार कर लें। अब इस मिश्रण को अपने शरीर के प्रभावित क्षेत्र में लगाएं और 20 मिनट तक रहने दें। उसके बाद जो है 20 मिनट के बाद जो है इसे साफ पानी से धो लें, शैम्पू से धो लें। आंवले का रस, गंजेपन को दूर करने के लिए आंवले का रस काफी प्रभावशाली होता है। आंवले का रस और नींबू के रस जो है बराबर मात्रा में मिला लें। इस मिश्रण को सिर के बाहरी रहित हिस्से में लगाएं। थोड़े आंवले के टुकड़े काटे और उन्हें छांव में सुखा के रख दें। इसके बाद इन्हें नारियल के तेल में उबालें तो नारियल के तेल से भी आप मालिश करेंगे धीरे धीरे करके आपके जो है बाल आने लगेंगे। मेथी के बीज बहुत फायदेमंद होता है। अक्सर हम लोग मेथी का बीज जो है यूज करते हैं मेहंदी वेहंदी लगाने के समय, तो जरूर इसको इस्तेमाल करें। इससे जो है आपके बाल चमकीले हो जाएंगे। तो करना क्या है इसको मैं बता देता हूँ आपको। मेथी के बीज को नारियल के तेल के साथ मिश्रित करें और कुछ समय के लिए छोड़ दें। कुछ समय बाद इस मिश्रण को छान लें और बालों पर तेल को इस प्रकार रगड़ें कि ये तेल सीधे बाल की जड़ पे जाए। 3 से 4 बार अवश्य करें, परिणाम अपने आप नजर आएगा। सलाद और पालक खाएं। सलाद और पालक भी आपके बालों को बढ़ने में इजाफा करेगा। सलाद का एक महीन पेस्ट तैयार कर लें। इस मिश्रण बनाने के लिए पालक का भी प्रयोग करें। एक बार इस रस को निकाले जाने पर इसे अपने सिर में जहां बाल नहीं आए वहां लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। कुछ समय बाद इसे 20 मिनट बाद करीब इसे आप धो लें। इसे सप्ताह में 2 बार करें तो आपके बाल जल्दी आ जाएंगे। अमरूद की पत्ती जो होती है बहुत फायदेमंद होती है, तो अमरूद की पत्ती इसका रस निकालें और इसे अपने जहाँ पे बाल झड़ा है वहाँ पे लगाएं। इससे आपके बाल धीरे धीरे आने लगेंगे। बहुत फायदेमंद है दोस्तों अमरूद यानी कि जाम, इसके पत्तियों का रस निकाल के आपको मालिश करना है। 20 मिनट रहने देना, उसके बाद नहा लें और किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। सर बाल जो है आपके अगर झड़ रहे हैं तो थोड़ा छोटा बाल कर लें और साथ में मोटे कंघे का इस्तेमाल करें, तो इससे जो है आपका जो है गंजापन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। शीर्षासन जरूर करें दोस्तों। शीर्षासन करने से आपके जो रक्त का प्रवाह जो है आपके सर में आएगा और जिससे आपके बाल आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दी वो जरूर पसंद आएगी। इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।